दोस्तों आदाब, पस मंजर न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वजाद बुखारी और आपको खबर जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं इलेक्शन की, क्योंकि पुंछ में म्यूनिसिपल इलेक्शन हुए उसके बाद आज उसकी काउंटिंग हुई। काउंटिंग के जो नतज थे वो बड़े हैरान कुन नतज थे, क्योंकि उन पार्टीज के लिए जो ये कह रही थी कि हम ज्यादा वोट लेंगे, पुंछ में हम म्यूनसिपलिटी बनाएंगे, 10 से 12 के ज्यादा हमारी जो सीटें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। वहीं जहाँ पे इसमें डायरेक्ट जो इंटरफेरेंस जिसे कहें या लोगों के जो एक वोट बैंक की बात करें, तो वो सारी चीज़ें इस बार डिफरेंट अंदाज से सामने आई। फर्स्टली यहाँ पे दो पार्टियों ने जहाँ पे हिस्सा लिया, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस थी, कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें ली हैं 17 में से। और वहीं भारतीय जनता पार्टी अगर बात करें कि उन्होंने भी इस वक्त जो उनका आंकड़ा है वो बहुत कम रहा, उन्होंने 4 सीटें ली हैं और इसके अलावा 11 जो है पुंछ से इंडिपेंडेंट हैं, टोटल 17 सीट्स थी। तो ये एक जो बात थी ये बहुत बड़ी एक डिफरेंट एक चीज़ थी देखने के लिए। और दूसरे लोगों ने जो इस वक्त एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त देखने वाली थी वो ये थी कि जिसमें लोग किसी भी मज़हब से तल्लक रखने वाले हों, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कैंडिडेट हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है तो हम इसको वोट दें। लोगों ने कम्युनिटी को वोट नहीं दिया, इनको वोट नहीं दिया, लोगों ने सिर्फ इस चीज़ को वोट दिया, डेवलपमेंट को वोट दिया। और लोगों ने ये देखा कि कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए बेहतर है, कौन सा म्यूनसिपलिटी में बेहतर काम कर सकता है। यंग चेहरों को लोगों ने इस बार ज़्यादा सामने लाया, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ रिपीटेशन होती थी, हम पिछले लोगों को ज़्यादा सामने ले आते थे, लेकिन इसकी जो अब की बार म्यूनसिपलिटी में जो काउंसलर हैं वो यंग ज़्यादा हैं और इस कुछ नए चेहरे हैं। तो ये जो चीज़ है एक बहुत बड़ी चीज़ है एक डेवलपमेंट के लिए। और आइए आपको दिखाते हैं कि इसी हवाले से आज जब डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने इन म्यूनसिपलिटीज़ के हवाले से बताया, म्यूनसिपलिटी के हवाले से हमारे जो टोटल 58 यहाँ पे कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे टोटल 17 वार्ड्स में, और उसमें हमारे जो रिजल्ट रहा है उसमें 4 वार्ड्स में बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं, 2 वार्ड्स में कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं और 11 वार्ड से इंडिपेंडेंट जो है उन्होंने जो है जीत हासिल की है। सो बहुत ही अच्छे माहौल में यहाँ पे आज जो है इलेक्शन हुआ, और वार्ड वाइज डिटेल जो है हमारी जो पुंछ म्यूनसिपैलिटी की है उसमें हमारे वार्ड नंबर 1 से नेहा रानी इंडिपेंडेंट, वार्ड नंबर 2 से जरीना अख्तर इंडिपेंडेंट, वार्ड नंबर 3 से बलविंदर सिंह INC से, वार्ड नंबर 4 से इम्तियाज सिलारिया इंडिपेंडेंट, वार्ड नंबर 5 से उमेरा इंडिपेंडेंट, वार्ड नंबर 6 से जावेद अहमद BJP से, वार्ड नंबर 7 से नरेश चंद्र इंडिपेंडेंट, वार्ड नंबर 8 से अंबिका सर्राफ इंडिपेंडेंट, वार्ड नंबर 9 से परविंदर सिंह इंडिपेंडेंट, वार्ड नंबर 10 से मोनिंदर सिंह इंडिपेंडेंट, वार्ड नंबर 11 से मधुमीत कौर इंडिपेंडेंट, वार्ड नंबर 12 से नरेश कुमार BJP से, वार्ड नंबर 13 से संजय खजूरिया इंडिपेंडेंट, वार्ड नंबर 14 से हरप्रीत कौर BJP से, वार्ड नंबर 15 से राजेंद्र सिंह INC से, वार्ड नंबर 16 से सुनील कुमार इंडिपेंडेंट और वार्ड नंबर 17 से राजेश कुमार BJP से। तो ये हमारा पुंछ म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन का रिजल्ट। तो अब आपको लिए चलते हैं हम सुरन कोट में, जिस तरीके से ज़्यादा जो डोमिनेशन वहाँ पे भी दिखाई जा रही थी कांग्रेस की, लेकिन वैसा कुछ ज़्यादा वहाँ पे भी नज़र नहीं आया। और वहाँ पे भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं वो सामने आए हैं और नए चेहरे सामने आए हैं। तो ये जो नए चेहरों वाली चीज़ है ये एक बेहतर जो चीज़ें हैं वो ला रही है, उससे लगता है कि लोग अब अवेयर हो चुके हैं। अब लोग कम्युनिटीज़ को वोट नहीं देते या हिंदू मुस्लिम को वोट नहीं देते, अब लोग डेवलपमेंट को वोट देते हैं, क्योंकि लोगों के साथ बड़ी बार पार्टियों ने इक्तसाल कर लिया और लोगों ने पार्टियों ने जिस तरीके से बेहतर लोगों के काम नहीं किए, अब पार्टियों को लोग छोड़ के अब लोग इंडिपेंडेंट की तरफ आ रहे हैं और लोग जो है अपने बेहतर काउंसलर चुन रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं सुरन कोट के हवाले से जब DM पुंछ ने बताया। इसमें जो हमारी जो 4 वार्ड्स थे वहाँ पर इंडिपेंडेंट, वहाँ पर जो है कैंडिडेट जो है वो अनकंटेस्टेड ऑलरेडी जीत चुके थे, तो यहाँ पर हमारे बेसिकली 9 वार्ड्स के लिए इलेक्शन हुए। और इसमें से जो टोटल 13 वार्ड्स हैं उसमें से INC 1 वार्ड में जीती और 12 वार्ड में इंडिपेंडेंट जीते, टोटल जो है 13 वार्ड्स हमारे यहाँ पर रहे। तो हमारे विनिंग कैंडिडेट जो है यहाँ पे वार्ड नंबर 1 से शाहिका साहिन इंडिपेंडेंट, वार्ड नंबर 2 से अब्दुल हमीद इंडिपेंडेंट, ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए, वार्ड नंबर 3 से अजहर महमूद इंडिपेंडेंट, वार्ड नंबर 4 से सुनीता रानी ये भी अनअपोज्ड इलेक्ट हुई, वार्ड नंबर 5 से चौधरी अनाम रशीद ये भी अनअपोज्ड इलेक्ट हुए, वार्ड नंबर 6 से अब्दुल रशीद ये INC से, वार्ड नंबर 7 से मुमताज़ अहमद इंडिपेंडेंट, वार्ड नंबर 8 से गुलाम अहमद इंडिपेंडेंट, वार्ड नंबर 9 से मतलूब हुसैन शाह इंडिपेंडेंट,
वार्ड नंबर 10 से राजवाना कौसर इंडिपेंडेंट, वार्ड नंबर 11 से संजीव कुमार ये भी अनअपोज्ड इलेक्ट हुए, वार्ड नंबर 12 से तारिक महमूद मनास ये भी इंडिपेंडेंट, और वार्ड नंबर 13 से अब्दुल मजीद इंडिपेंडेंट जी। तो ये हमारा सुरनकोट म्यूनसिपालिटी का रिजल्ट रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी दोनों ही म्यूनसिपालिटी के जो भी विनिंग कैंडिडेट्स हैं वो जो है अपना वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करेंगे और अपने एरिया की जो भी प्रॉब्लम है उसको जो है रेज करेंगे, सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है डिफरेंट वार्ड्स के वो आपस में मिलजुल कर पूरे इलाके की पूरे एरिया की तरक्की के लिए। वहीं आज की इस काउंटिंग के हवाले से जहाँ पे कुछ कैंडिडेट जीते और जब वो बाहर आए तो उन्होंने बात की है हमसे, आइए आपको दिखाते हैं कि वो कितने एक्साइटेड थे और उनमें कुछ करने का एक जोश है, अवल वाला है। मैम आप कौन से वार्ड से इलेक्शन लड़ रही थी? चौदह वार्ड से आप इलेक्शन लड़ रही थी, और जिस तरीके से इस बार देखा गया लोगों ने बड़ा सोच समझ के वोट डाले हैं, तो क्या समझती हैं आप, कैसा लग रहा है इस वक्त जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है, जिन्होंने मुझे वोट दिए मैं उनका थैंक्सफुल करती हूँ जी, और आगे मैं उनकी उम्मीद पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगी। मुझे जो उन्होंने मुझसे उम्मीदें रखी हुई हैं मैं उन पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। परविंदर जी आप कौन से वार्ड से जीते? सर मैं 9 वार्ड से जीता। वार्ड नंबर 9 से आप जीते, जाहिर सी बात है बड़ा टफ मुकाबला था, कितने लोग थे वहाँ पे? सर हमारे 503 वोट टोटल थी। हाँ, जिसमें से 403 वोट लिए। तो आपने कितने लिए? सर मैंने 162 लिए। तो बड़ा एक आप यंग हैं, नौजवान हैं, और बड़ा शौक भी था आपको इलेक्शन का, आप जीत चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सर मैं उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, पैर मजमू मिलत और किसी का कोई भी भेदभाव करते उन्होंने दिया। सर सबसे ज़्यादा मुझे मुस्लिम वोट पड़े हैं सर जी, सबसे पहले उन लोगों का थैंक्स करूँगा जिन्होंने गैर बुलादी से मेरे को उन्होंने वोट दिया और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो मुझे वोट दे और मैं उन आगे चल के उनका काम करूँगा। सर परविंदर आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी जो लोग वोटिंग कर रहे हैं उससे आपको लगता है कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि बड़ी ही अच्छे अंदाज से लोग जो है अपने मेंबर चुन रहे हैं? सर मेरे आपके सामने देख लो सर, मिसाल हूँ एक सरदार हूँ, 156 वोट है सर हमारे मुस्लिम पहुंच के वार्ड नंबर 17 से एआरओ पोटिंग जी। नरेश जी आप कौन से वार्ड से जीते हैं? मैं सर वार्ड नंबर 12 से। तो क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? मैं आपके माध्यम से वार्ड नंबर 12 की जनता का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और खुलकर मुझे वोट किया। मैं वार्ड नंबर 12 की जनता का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और जिस तरह से उन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जनता के भलाई के काम कर सकूं और जनता के काम। मुमताज अहमद बजाज जी। मुमताज जी आप सुरनकोट कौन सी वार्ड से जीते? मैं मल्ला बजाड़ा वार्ड नंबर 7 से। तो क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? बस जी ये लोगों का प्यार था जो उन्होंने मेरे तई अपने जज्बात का वोट की शक्ल में इजहार किया। हाँ। उसके बाद ये मेरी जीत नहीं है, जमहूरियत की जीत है। हाँ जी, सोच ये है कि मैं यही चाहती हूँ कि अपनी वार्ड का जितना बेहतर हो सके मैं करूँ, और उसके बाद यही है कि जितना सोशल वर्क मेरे से हो सकेगा मैं करने की भरपूर कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविटी में पहले भी हिस्सा लेते ही रही हूँ, तो अब उससे ज़्यादा और लूँगी। और बहुत बहुत मुबारक है आपको। इसी पर रख लो जी। मेरा नाम तारिक मनास है, मैं 12 नंबर वार्ड जो सुनकोट में इकबाल नगर है वहाँ से मेरे वोटरान ने कुल 60 वोट हमारे पोल हुए, 41 मुझे दिए, और मेरे मुकाबले में जो नाजी साहब थे उनको 19 वोट दिए। मैं अपने वोटरान का नहायत ही मशकूर और शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ना वो मेरा वार्ड था ना मेरा वहाँ वोट था, फिर भी लोगों ने मुझे चुन लिया। आज उन्होंने फैसला किया है, हम उसके बिल्कुल मैं कहता हूँ उसमें हम लड़ाई करते हैं कि उन्होंने ऐसा फैसला किया है, ना उन्होंने मजलूम मैंने किसी मसले को हटा के उन्होंने ऐसा फैसला किया है जो जनता के लिए फैसला है, और हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी, हमारी जितने हमारे लोग जीते हैं तो इंशाल्लाह हम पूरी जरूर करेंगे, और ये जो भाईचारा गुलदस्ता पूर्ण करता है हिंदू मुस्लिम सिख का लोग कायम रहेगा। ये सब लोगों की सब लोगों का सपोर्ट आप होंगे उसकी वजह से मैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि लोग अब की बार जो पंचायत इलेक्शन है उसमें बेहतर अंदाज से वोट ज़रूर डालेंगे। आप अपना वोट ज़रूर डालिएगा, क्योंकि वोट आपका हक है और आपका हक ही जो है एक नई चेंजेस ला सकता है। अब की बार आप वोट उसको दें जो आपके काम करवा सकता है,
जो कम्युनिटी को, कम्युनिटी की बात जिसमें ना आए, जिसमें मजहब की बात ना आए, और वो कैंडिडेट हो जो सबको साथ लेके चले, ऐसे कैंडिडेट्स को आप वोट दीजिए और पुंछ डिस्ट्रिक्ट को डेवलप कीजिए। क्योंकि पुंछ डिस्ट्रिक्ट की जो हालत है, जिसे हम हर वक्त कहते हैं हमारा अनडेवलप्ड है, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो ये बातें करने बड़ी आसान होती हैं, लेकिन आपके पास जब आपके वोट का हक है तो उसे आप बेहतर अंदाज से इस्तेमाल कीजिए और वोट दीजिए आप। और अच्छी बात यह है कि अब की बार लोग बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं, लेकिन इससे ये भी चीज़ें सामने आती हैं कि कुछ लोगों में भी एक ज़हनियत में चेंजेस आ रही है, और जिससे जो है बेहतर फैसले भी हो रहे हैं। तो इससे हमें पूरी उम्मीद है कि आपके फैसला, चाहे आप कोई भी करिए, किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन कुछ जो आपकी बेहतरी कर सके, जो आपकी डेवलपमेंट कर सके, अपने सरपंच चुनिए, पंच चुनिए, जो आपका बेहतर कर सके और आपकी जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट करें, ताकि आप लोगों को गाँव गाँव में फ़ायदा हो सके। खुदा हाफिज़।